कथित शराब घोटाले में खुलासा। ईडी ने खोले केजरीवाल के राज। चार्जशीट में हुए कई खुलासे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत पूरे शवाब पर है। नतीजा ये है कि सियासत की दो धुरंधर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक आग उगल रही हैं। हालांकि इस कथित घोटाले में दिल्ली के बड़े नेता जेल की हवा भी खा रहे हैं, लेकिन ईडी अभी भी इस मामले की परत दर परत खोलने में लगी है। दरअसल इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी की चार्जशीट की माने तो आबकारी नीति को दिल्ली में लागू करने का प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ही था। दरअसल ईडी ने चार्जशीट में बताया है कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बोची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज किया था। इसमें कहा गया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। मीडिया खबरों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही प्लान थी। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। ईडी ने चार्जशीट में जो खुलासे किए हैं उनमें कहा गया है कि मुंगटा श्रीनिवास रेड्डी भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली की आबकारी नीति का हिस्सा बनने पर मुंगटा श्रीनिवास रेड्डी का स्वागत किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर को आबकारी नीति को बनाने, उसको लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का समर्थन और छूट प्राप्त थी। इतना ही नहीं, ईडी की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया है कि अरुण पिल्लई के सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली बुची बाबू थे। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में आरोप लगाए हैं कि विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा था कि अरुण और इसका सहयोगी ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इस समूह के पास बहुत ज्यादा पैसा, राजनीतिक संबंध और अरविंद केजरीवाल से दोस्ती थी। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि समीर महेंद्रू ने विजय नायर की विश्वसनीयता को परखने के लिए अरविंद केजरीवाल से मीटिंग कराने के लिए कहा था, जिसके बाद विजय नायर ने समीर महेंद्रू और केजरीवाल के बीच फेस टाइम मीटिंग अरेंज कराई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली शराब घोटाले की शुरुआत में इसकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई, जिसके बाद वो दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया और आम आदमी पार्टी में आ गया। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसके दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिक से 82 लाख रुपए अरेंज कराकर मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए दिया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया गया। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि उसकी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 5 से 6 बार बात हुई और संजय सिंह के आवास पर केजरीवाल से एक बार उसकी मुलाकात हुई थी। यानी दिल्ली की सियासत अभी कथित शराब घोटाले को लेकर और ज्यादा हाई होने वाली है। ऐसे में देखना है कि ईडी इस मामले को लेकर और कितने खुलासे करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।